एंड आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग जो सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क चीज होती है कि सर ये जो बिजनेस लॉ करके जो हमारा सब्जेक्ट है, बिजनेस लॉ एंड BCK, राइट, इसमें जो ये बिजनेस लॉ करके जो हमारा सब्जेक्ट है सर, इसमें पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? इसी के साथ साथ और एक चीज इसमें होती है कि हमारे जो बेसिक सवाल होते हैं, जैसे हैंड राइटिंग कैसे होनी चाहिए, कीवर्ड्स को किस तरीके से मार्क करेंगे, साथ ही साथ अगर कोई हमको मान लो कि कोई आंसर है अपने को थोड़ा कम आता है तो उस केस में कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, इस सब के बारे में, कोई केस लॉ है तो उसका ढांचा कैसा होना चाहिए, सब के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ आज जो हम जिस चीज पे हम स्टडी करेंगे, जिस चीज के एनालिसिस करने वाले हैं, वो एक सर्टिफाइड कॉपी है एक ऑल इंडिया रैंकर की, जिसमें आप देख सकते हो मार्क्स, देखो कितने स्कोर हो गए, आप यहाँ पे मार्क्स देखोगे तो 86 मार्क्स है। कितने हैं? 86 आउट ऑफ 100 मार्क्स यहाँ पे है, दैट इज अ वेरी ह्यूज स्कोर। ये जो कॉपी है, दिस कॉपी बिलोंग्स टू जुलाई 2019 के अटेम्प्ट वाला, जुलाई 2019 अटेम्प्ट वाले का ये कॉपी है। एंड मेरे साथ यहाँ पे उसका सजेस्टेड आंसर भी, हम इसी के साथ इसको कंपेयर करके मैं हर एक चीज पे एक्सप्लेन आपको करूंगा। तो ऐसा है कि यहाँ पे फर्स्टली ये जो स्टूडेंट है इसने सेक्शन बी सॉल्व किया है, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, और ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम सीधा लॉ पे आएंगे। तो अगर हम शुरू करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे, सी सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहली चीज इसने, बंदे ने कहाँ पे लिखा है, ये एकदम मिडल ऑफ द पेज पे लिखा है सेक्शन ए, जिससे ये क्लियरली समझता है कि अभी ये सेक्शन ही स्टार्ट कर रहा है। बिल्कुल भी कहीं पे जैसे हम लिखते हैं ना छोटा मोटा ऐसा साइड में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, देखो कहाँ पे लिखा है, एकदम सेंटर ऑफ द पेज पे। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है, जो क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व करना चाहता है, तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी सब क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 1A, आप देखोगे इन्होंने क्वेश्चन नंबर्स को रिशफल किया है। मान लो पहले क्वेश्चन 1 किया, फिर क्वेश्चन 3 किया, फिर क्वेश्चन 5 किया, लेकिन इसके अंदर जो सब क्वेश्चन रहते हैं A, B, C, इसको इन्होंने रीशफल नहीं किया। अगर इन्होंने क्वेश्चन 1 शुरू किया है तो पहले A किया, फिर B किया, फिर C किया, ऐसा नहीं पहले A फिर C फिर B, नहीं। तो ये सबसे पहली चीज आपको नोट करनी है कि सब क्वेश्चन को रीशफल करना नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर को रीशफल करो, शफल करो, लेकिन सब क्वेश्चन को आप शफल बिल्कुल नहीं करना। इन्होंने यहाँ पे भी लिखा मिडल ऑफ द पेज पे, क्वेश्चन 1A का आंसर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी लिखा, दिस गाय नोज वेरी वेरी क्लियरली कि ये एग्जामिनर को बताना चाहता है कि देख भाई, देख मुझे क्वेश्चन 1A का जो मैं आंसर लिखा हूं, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट बिलोंग्स टू क्वेश्चन 1A, मैं तुझे ढूंढने को नहीं लगाऊंगा। आप समझ रहे हो, आई एम नॉट टेलिंग हिम टू फाइंड। सबसे पहले क्वेश्चन 1A देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन 1, ये ए सेक्शन है, चार क्वेश्चन करने रहते हैं 5 में से, बराबर, और पहला वाला होता है कंपल्सरी। तो क्वेश्चन 1 है, इसमें ये बोलता है, अभी देखो ये जो ज्ञान होता है ना, ये सब स्टोरी होती है, ठीक है, ये स्टोरी आप बाद में पढ़ लेना, सबसे पहली चीज आपको पढ़नी रहती है लास्ट लाइन। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है, दैट इज लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन बताता है आपको ये सारी स्टोरी में से, ये सारे ज्ञान में से क्या एब्जॉर्ब करना है। देखो लास्ट लाइन क्या बोलता है, मिस्टर छोटेलाल वॉन्ट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट द परचेसर एंड गेट अ सुटेबल रिड्रेस्ट। ओके, मतलब इसको सोल्यूशन चाहिए। इन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के हिसाब से आप बताइए छोटेलाल का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। फिर आप ये ज्ञान पढ़ लेना, ये ज्ञान पढ़ लेना, इसमें इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम सीधा इसके आंसर पे आएंगे, ठीक है। अब आईसीए का आंसर देखो, आईसीए का आंसर शुरू होता है यहाँ पे ए का। अब ये बोलता है प्रॉब्लम जो बताया, यहाँ पे फैक्ट्स बताए इन्होंने, आईसीए यहाँ पे फैक्ट्स डिस्कस कर रहा है थोड़े से। ये बोलता है एक चीज प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, एक चीज यहाँ पे बोली प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। सेकेंड चीज मतलब बेसिकली बताना चाहता है कि हम सेक्शन 2D के बारे में बात कर रहे हैं, कंसिडरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बताना चाहता है। सेकेंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आईसीए ने यहाँ पे हाईलाइट करके दी होगी एग्जामिनर के कॉपी में, वो रहेगा ये केस लॉ चिनैया वर्सेस रामैया करके। एंड देन सेकेंड पैरा में, सेकेंड पैरा में आईसीए देखो यहाँ पे क्या बोलता है सेकेंड पैरा में, अगर आप देखोगे तो ये देखो, मिस्टर छोटेलाल टू अलाउ द यूज ऑफ 1 acre ऑफ लैंड वेर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली एंड देयरफॉर दे शुड बी रिगार्डेड एज 1 transaction एंड देयर वाज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर इट। अब देखो अपने स्टूडेंट ने कैसा लिखा है यहाँ पे प्रोविजन में एक्शन सेक्शन 2D, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता, देखो अगर आपको सेक्शन नंबर आता है तो उसको गोल टोल पूरा स्क्वायर बॉक्स मार के लिखो। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी मार्जिन ड्रॉ नहीं करी है दोनों साइड पे, जो लोग पेंसिल से फ्लावरिंग करते देखो बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना है मार्जिन, मार्जिन कुछ टाइम नहीं, कोई पेंसिल से यहाँ पे कीवर्ड्स मार्क नहीं करे, कैसे किससे मार्क करा है देखो, ये किससे मार्क करा है, ये बॉक्स किससे करा है, पेन से, जिस पेन से मेन आंसर है उसी पेन से कीवर्ड को मार्क करा है। सेक्शन 2D बता के सबसे पहला इंप्रेशन उसने दिया अपने एग्जामिनर को कि मुझे सेक्शन नंबर आता है। आपको सेक्शन नंबर नहीं आता आप मत लिखो, आपको सिर्फ लिखना है एज पर रेलिवेंट सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 2 या फिर रेलिवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 2 जो भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसने 2D लिख के सबसे पहला इंप्रेशन जो यहाँ पे दिया। आईसीए ने भी पहले आंसर में स्टार्टिंग की लाइन में सबसे पहला इंप्रेशन दिया सेक्शन 2D के बारे में, तो इसने भी बताया सेक्शन 2D।
सेकेंड चीज ये बताना है, ये बता रहा है देखो केस लॉ, चिनैया वर्सेस रामैया, शुरू कहां से किया? प्रोविजन से। बहुत लोग फैक्ट से शुरू करते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस से, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास करो, केस लॉ है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, फिर आप एप्लीकेबल प्रोविजन लिखो, उसके बाद आप आपका एनालिसिस लिखो, और फिर लिखना है कंक्लूजन। ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोविजन और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स तो सब लोग लिख पाएंगे, तो इसीलिए इस बंदे ने फैक्ट्स कुछ से शुरू नहीं करके प्रोविजन से शुरू किया, सीधा लिखा सेक्शन 2D एप्लीकेबल है। चिनैया वर्सेस रामैया में भी ये केस लॉ में भी यही चीज हुई थी, और कंसिडरेशन की देखो, वैलिड कंसिडरेशन कैसा मार्क करा, देखो इसने वैलिड कंसिडरेशन को अंडरलाइन करा है, आप देख पा रहे हो वैलिड कंसिडरेशन को मार्क करा है, और क्या लिखा है यहाँ पे, सीधा वैलिड कंसिडरेशन के नीचे कॉन्ट्रैक्ट को इसने मार्क करा है, एनी अदर पर्सन, आप समझ रहे हो उसको देखेगा सेक्शन 2D, अरे यार इसको तो आता है। सेकंड चीज वो देखेगा वैलिड कंसिडरेशन की बात कर रहा है, तो इसको भी ये प्रोविजन आती है। एनालिसिस में चले जाओगे, देखो एनालिसिस में कैसे लिखता है, यहाँ पे देखो जो आईसीआर ने लिखा वैसा ही मिस्टर छोटेलाल कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द परचेसर एंड गेट अ सुटेबल रिड्रेसल, क्यों? क्योंकि विच वॉज देयर वॉज एन एडिक्वेट कंसिडरेशन। सेम चीज आईसीआर ने दूसरे पैरा में जब सब कुछ एक्सप्लेन करा उसमें देखो क्या लिखा, देयर वॉज अ ट्रांजेक्शन, देयर वॉज सफिशियंट कंसिडरेशन फॉर इट। सेम चीज इसने भी लिखी है। अब आप अगर अगर कोई बच्चा है जिसको लगता है कि हमको सेम टू सेम लैंग्वेज यूज करनी है, का यूज करनी चाहिए क्या, टेक्निकल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए क्या, आप भाई इसका आंसर पढ़ो, ये आंसर आप पढ़ो और ये वाला पैरा पढ़ो, ये वाला आंसर पढ़ो, कुछ भी सेम टू सेम नहीं लिखा है, लेकिन कीवर्ड्स वैसे के वैसे लिखे, कीवर्ड्स में बिल्कुल कमजोरी नहीं है। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे और भी चीजें लिखी हुई है, जैसे कहीं पे कुछ कनोटेशन रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला, इट इज प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कवेनेंट रनिंग विद द लैंड वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब भी लिखा है। मुझे बताओ इस बंदे ने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, सीधा अपना नॉर्मल एनालिसिस दिया, एनालिसिस में बोला कंसिडरेशन एडिक्वेट है इसलिए वो केस फाइल कर सकता है, कंक्लूजन में लिखा देयरफॉर मिस्टर छोटेलाल कैन कैरी आउट फार्मिंग ऑन द लैंड। देखो 4 में से 4 मार्क्स मिल गए, देखा आप मार्किंग देखो कहाँ पे हुए, कंक्लूजन पे 2 मार्क्स मिल गए और प्रोविजन पे 2 मार्क मिल गए। इसका मतलब क्या, जो एनालिसिस है इसको इन्होंने इतना कुछ पढ़ा ही नहीं, सीधा पढ़ा कंक्लूजन, सीधा पढ़ा प्रोविजन। तो जिसको सेक्शन नंबर आ गया उसको प्रोविजन में फुल मार्क्स मिल रहे हैं, और जिसने यहाँ पे कीवर्ड सही से लिख दिया उसको फुल मार्क्स मिलने, केस लॉ जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दी तो उसमें फुल मार्क्स मिलने, और अगर कंक्लूजन जो रहेगा वो आप ठीक से लिखोगे, जो आईसीआई का कंक्लूजन है, देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, मिस्टर छोटेलाल इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ पिटीशन अगेंस्ट मिस्टर, अभी यहाँ पे पिटीशन वर्ड यूज किया है इसने, क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पे देखो, कैन कैरी आउट फार्मिंग ऑन द लैंड, क्या लिखा है यहाँ पे इसने, कुछ पिटीशन फाइल अ केस वगैरह कुछ भी नहीं, नो टेक्निकल लैंग्वेज, कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करी। आप हैंड राइटिंग देखो यार, बहुत लोग रहते हैं सर हमारा हैंड राइटिंग ऐसा है, सर हमारा वो वैसा है, मुझे बताओ यहाँ पे हैंड राइटिंग का कुछ दिखता है आपको, हैंडराइटिंग का कुछ है, एकदम डल हैंडराइटिंग लिखी है, देखो देख पा रहे हो हैंडराइटिंग सब लोग यहाँ पे देखो किस तरीके की है, मतलब अगर कोई अगर देखो देयरफॉर कुछ समझ रहा है, ये यू है कि आर है नहीं समझ रहा है, तो देखो किसी को रहता है सर हमारा हैंडराइटिंग का इशू, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये तो भी ऐसा है। अगर आप June 2022 के ऑल इंडिया रैंकर की सर्टिफाइड कॉपी देखोगे लॉ के टॉपर की, उसका बहुत खराब हैंडराइटिंग है, बहुत खराब हैंडराइटिंग है, ऐसा भी उसने कुछ मार्क भी नहीं किया पता है, फिर भी टॉपर है, आप समझ पा रहे हो। देखो नो रिशफलिंग, वापस क्वेश्चन 1B एकदम मिडल में लिखा, उसको बता रहा है क्वेश्चन 1B मेरा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1B में क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन 1B में वापस सीधा एंड पे आना है, ये क्या बोलना चाहता है, एनालाइज द अबव सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन है, ये सबको समझ जाएगा, लास्ट लाइन पढ़ के सीधा एग्जामाइन वेदर द कंटेंशन ऑफ साउंड सिंडिकेट लिमिटेड इज करेक्ट, फिर आप ये ज्ञान पढ़ लेना ये क्या बोलना चाहता है, हम सीधा आंसर पे आएंगे। देखो आंसर में क्या लिखा है, सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इसको एक्सप्लेन करा कि बाबा जो भी रहेगा कि जो थर्ड पार्टीज है उनको इंक्वायर नहीं करना पड़ेगा इंटरनल प्रोसीडिंग्स के बारे में वगैरह वगैरह, यही बोलता है, स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है ये चीज। यहाँ पे 2 चीजें लिखी है, अब कोई रहेगा बोलेगा सर हमको तो ये भी पता होना चाहिए कि, अब देखो इनका आंसर देखोगे, प्रोविजन सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 399 लिखा, यही पे समझ गया एग्जामिनर को कि इसको ये आता है। मैं वापस बोलता हूँ सेक्शन नंबर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपर की कॉपी है आप समझ रहे हो, इसलिए सेक्शन नंबर उसको लर्न थे, उसने लिखा सेक्शन 399 लिखा पब्लिक, अगर आप सेक्शन नंबर गलत लिखोगे वही मार्क्स सबके 0 हो जाने इमीडिएटली, आपको सिर्फ लिखना है रेलेवेंट सेक्शन, अगर आपको सेक्शन नंबर कंफर्म नहीं है तो। दूसरी चीज ने हिंट करी पब्लिक डॉक्यूमेंट, तीसरी करी नॉलेज ऑफ बोथ, ये 3 चीजें पढ़ के इसने यहाँ पे 2 मार्क दिए, उसको समझ गया ये उसको आता है, आप समझ रहे हो, आपकी लैंग्वेज है ये, आप कैसे कम्युनिकेट करोगे एग्जामिनर के साथ, आपकी हैंडराइटिंग से, हैंडराइटिंग यानी
आपकी लैंग्वेज से, आपके कीवर्ड से आप कम्युनिकेट करोगे। इसने ये तीन वर्ड में सेक्शन 399 पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नॉलेज इधर में ही बता दिया, मुझे आता है भाई, 2 मार्क्स पूरे मिल गए। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सारा ज्ञान लिखा है, अभी ये क्या होता है आप पढ़ना, कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने। इज एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल अकॉर्डिंग टू विच द जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी रहेगी उसको नॉलेज नहीं रहेगा इंटरनल इरेगुलेशन के बारे में, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इट विल बी वैलिड। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक चीज, यहाँ पे आप देखोगे एनालिसिस के लिए कुछ भी मार्क्स वापस मिले नहीं, सीधा मार्क्स मिले कंक्लूजन के। एनालिसिस तो चेक करा है, देखो टिक है यहाँ पे, लेकिन मार्क्स सीधा कंक्लूजन पे दिए। क्यों क्यों देखो आप चेक चेक करो एनालिसिस में, आईसीआई ने कैसा एनालिसिस दिया है देखो, आईसीआई तो केस स्टडी। अब ये 2 पॉइंट आप लिखते हो कंपनी को एक्सपेक्ट एस्केप क्रेडिटर्स वगैरह वगैरह, ये 2 पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे ही नहीं है, ये कहीं पे भी लिखे नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिखा है सिर्फ कि अगर आर्टिकल्स में भी लिखा रहेगा ऐसा कुछ जो अपना केस लॉ इसमें लिखा है ये सब चीजें, तो भी हम क्या करेंगे इंटरनल रिजोल्यूशन के बारे में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को पता होना जरूरी नहीं है। देयरफॉर जो कंटेंशन है सिंडिकेट लिमिटेड का इज नॉट करेक्ट एंड दे हैव टू पे बैक द लोन। देखो 4 पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिले, क्या इस हैंडराइटिंग में बताओ मुझे, कोई क्या कोई बता पाएगा। अब यहाँ पे और एक चीज देखो, ये जहां पे चीजें गलती हो जाती है ना, वर्ड्स रॉन्ग हो जाती है, ये क्या कर रहे हैं देखो, इसने आप लिखते हो मान लो आपको वैलिड की जगह आपने वैलिडिटी लिख दी, आप क्या करते हो ऐसा पूरा काटोगे इसको, ऐसा ऐसा काटोगे, अरे वो खोदर के नहीं देखने वाला आपने क्या गलत लिखा है। देखो एक सिंपल स्ट्राइक मारी है यहाँ पे, एक सिंपल स्ट्राइक से वो बता रहा है ये चीज गलत है और कट करके आगे चला गया, क्योंकि उसने उसका क्या करा, टाइम सेव करा। एक सिंपल स्ट्राइक, जब भी कोई रॉन्ग वर्ड, तो थर्ड चीज आपको लिखनी है, जब भी कोई रॉन्ग वर्ड उसको सीधा स्ट्राइक मारना है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो इसको कैसे लिखा है, कैपिटल में लिखा है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको कैपिटल में लिख दो। आप समझ रहे हो ये हो क्या रहा है। देखो क्वेश्चन 1C प्रेजेंटेशन देखो, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 1C, क्वेश्चन 1 में क्या, क्वेश्चन 1C क्या था, वो बोलता है डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ इंप्लाइड वारंटीज एज पर सेल्स ऑफ गुड्स, एक रहेगा जो इसको पैराग्राफ वाइज लिखेगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने भी वैसे ही लिखा है, क्या लिखा है, इस तरीके की वारंटीज होती है, इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान लिखा है सेम टू सेम आपके मॉड्यूल जैसा, मॉड्यूल में इतना सारा ज्ञान रहेगा। इसने देखो कितना सा लिखा है, पहले सिर्फ वेरियस इंप्लाइड वारंटी को लिख दिया 1 2 3 4, ये नहीं भी लिखता था तो भी चलता था, लेकिन इसने लिखा देखो टिक करा एग्जामिनर ने, मतलब एग्जामिनर को उसने इधर ही बता दिया कि मुझे चारों के हेडिंग्स आते, सेम टू सेम हेडिंग्स अगेन अगेन यहाँ पे लिखे, वारंटी एस टू क्वांटिटी, वारंटी एस टू। अब देखो ये किसको यहाँ पे लिख रहा है, डिस्टर्ब्ड वर्ड लिखता है किसी को, यहाँ पे आर मिसिंग है। तो ये फिफ्थ चीज आपको पता होनी चाहिए, स्पेलिंग डज नॉट मैटर, आपकी स्पेलिंग्स भले ही गलत रहो लेकिन अगर वो दिखने में, अगर उसमें मेजर मिस्टेक कुछ नहीं रहेगा, अगर डिस्टर्ब का डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लिख दोगे तो ठीक है, यहाँ पे आर रह गया यू रह गया कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो स्पेलिंग्स पे नहीं गया वो। उन्होंने क्या करा फिर, यहाँ पे पहला हेडिंग लिखा उसका सिर्फ 1 पॉइंट लिखा है, ये सिर्फ 1 पॉइंट, दूसरा हेडिंग लिखा उसका 1 पॉइंट, देखो 1 मार्क पूरा मिल गया, वापस 1 मार्क पूरा मिल गया। थर्ड में भी देखो वारंटी एस टू फ्री इनकमरेंस, वापस ये स्पेलिंग समझ रहा है किसी को, फिर भी 1 मार्क पूरा, क्योंकि ये मोटा मोटा मैच हो गया जो आईसीए में था, एक एग्जाम्पल था इसमें, उसने भी लिख दिया एक एग्जाम्पल, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, वापस 1 मार्क, जस्ट 1 लाइन, यहाँ पे कितना ज्ञान लिखा है देखो, अंदर 2 से 3 लाइनें है हर एक में, इतना ज्ञान उसने नहीं लिखा। तो आपका सिक्स्थ मिसकॉन्सेप्शन कि सर क्या हमें चीजें लर्न होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए बिल्कुल नहीं, आपको हेडिंग्स लर्न होने चाहिए, इंटरनल जो अंदर का कंटेंट है ना वो आपको फ्रेम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। देखो पूरे 4 4 4 पूरे 12 मार्क्स मिल गए, पूरे 12, इसमें भी 4 out of 4। अगेन क्वेश्चन 2 पे चला गया बंदा, सब क्वेश्चन में नो रिशफलिंग। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन 2 में यहाँ पे अब चेक करो एक बार, ऐसे ही स्टेटमेंट्स आते हैं हमेशा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड बहुत बार पेपर में आता है, एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस वाला, ये भी बहुत बार एलएलपी से आता है, 7 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। यहाँ पे आपको समझ गया ये चीज के क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। देखो आईसीआई क्या कर रहा है, आईसीआई बता रहा है मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, इसका मतलब क्या है, ये उसका मीनिंग है, फिर ये रूल का मीनिंग, वापस पहले तो मीनिंग बताया, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, फिर वापस थर्ड चीज में क्या बता रहा है, ये थर्ड पैरा में क्या बताना चाहता है आईसीआई, देखो साइलेंस इज फ्रॉड के केस में ये जो पॉइंटर्स है, जो हर एक को आपको भी यही पॉइंटर्स याद रहेंगे, ये ऊपर का प्रीफेस कॉन्टेक्चुअल ज्ञान जो रहेगा ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो देखो ये वाला वेयर एक्सेप्शन भी लिख के दे दिया कि साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच कहाँ पे होता है, अब इसने लिखा है बहुत सारा, हमारे बंदे ने देखो क्या करा, इसमें देखो सेक्शन 17 लिख दिया, सबसे पहले बताया कि मुझे आता है, ठीक है, कुछ मार्क नहीं करा इसमें,
ये होता है कॉन्टेक्चुअल ज्ञान। क्या होता है कॉन्टेक्चुअल, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट जो रहेगा ना क्वेश्चन का, जो भी एक मेन बैकग्राउंड रहता है उसके बारे में दो से एक लाइन लिखते हो। इसका एक मार्क मिल गया इसको यहाँ पे पूरा, क्योंकि आईसीएआर ने भी वो कॉन्टेक्चुअल ज्ञान लिखा है। फिर आईसीएआर ने पॉइंटर शुरू करें, ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक। देखो आईसीएआर ने लिखा वैसे के वैसे लिखा है, सिर्फ इसको मार्क कर रहा है। अंदर का ज्ञान अगर आप पढ़ोगे तो ये इन्होंने लिखा है मन से, कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं है। अगर आप, मैं आपको पढ़ के बताऊं, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक क्या लिखा है, वेयर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस आर सच दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन ऑब्जर्विंग साइलेंस टू स्पीक। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, क्या लिखा है, क्या कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नहीं। आईसी ने फ्रॉड यूज भी नहीं किया, बट इन्होंने फ्रॉड यूज कर दिया यहाँ पे। बट फिर इसमें फर्स्ट आया तो इसको मार्क नहीं दिए, देखो क्योंकि कॉन्टेक्चुअल ज्ञान तो यहाँ पे खत्म हो गया। ऐसे पॉइंटर्स को मार्क है तो फिदुशियरी रिलेशनशिप एक मार्क पूरा, क्योंकि हेडिंग सही से लिखी, अंदर का ज्ञान मन से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एक मार्क पूरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। अभी हेडिंग्स में भी देखो, अगर आप हेडिंग्स ही देखोगे तो देखो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप हेडिंग्स देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया इनसे, एक पॉइंट मिस हो गया। तो एक मार्क उधर ही कम, एक मार्क्स उधर ही कम। देखो टोटल कितने मिले, 7 मार्क का क्वेश्चन है, 6 मिले। क्यों, क्योंकि एक पॉइंटर मिस हो गया है इनसे। देखो अगर आप कंटेंट कैसे भी मन से लिखो चलेगा, लेकिन हेडिंग वैसे के वैसे ही होने चाहिए और उनको इसी तरीके से बॉक्स मारना है। पेन से मारो कोई प्रॉब्लम नहीं, पेन से मारो। आप देख रहे हो कितना छुट्टा छुट्टा लिखा है, देखो कहीं पे भी कंजूसी नहीं करी, दिख रहा है कहीं पे आपको दिखता है इन्होंने बहुत एक ही पेज पे फिट करने की कोशिश करी, कुछ भी नहीं करा। देखो यहाँ पे कितना स्पेसिंग है, देखो बीच में स्पेसिंग, देखो ये, देखो ये एक लाइन यहाँ पे, इसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे किया, बीच में लाइन छोड़ दी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स की लाइन आ गई। तो इसी तरीके से स्पेसिंग, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट बन गया स्पेसिंग। स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, भले वो दो वर्ड्स के बीच में हो या दो लाइंस के बीच में हो, देखो ऐसे वाले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट इन्होंने लिखा था, व्हेन साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। देखो इन्होंने दो ही लाइन में एक्सप्लेन किया है, अपने बंदे ने भी थोड़ा सा ज्यादा कंटेक्स्ट इसमें लिखने की कोशिश करी है। देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल वगैरह लिख के दिया, आईसीएन एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन अपने को 2 मार्क्स किसके मिले, सिर्फ इतने ज्ञान के मिले, एग्जाम्पल का कोई मार्क नहीं मिला, एग्जाम्पल का कोई मार्क लिखा एक्स्ट्रा। तो एक चीज यहाँ पे और एक समझती है आपको, कि 11, 12 जैसा पेपर नहीं है जिसमें आप एक्स्ट्रा ज्ञान लिखोगे या एक्स ट्रा कुछ लिखने की कोशिश करोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। हाँ, जितना रेलेवेंट है उतना लिखने का ही सिर्फ मार्क्स मिलेंगे। समझ रहा है सबको क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं हम। नेक्स्ट था एलएलपी एन अल्टरनेटिव। देखो फर्स्ट पॉइंटर लिमिटेड लाइबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, हमने भी वैसा ही कुछ लिखा है, ये ज्ञान लिखा, ये कॉन्टेक्चुअल ज्ञान, मैंने बोला ना कॉन्टेक्चुअल ज्ञान लिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का तो एक मार्क मिलता है। आईसीआई ने लिखा है कॉन्टेक्चुअल ज्ञान, आईसीआई ने लिखा है, आईसीआई ने कॉन्टेक्चुअल ज्ञान लिखा ही नहीं है देखो, लेकिन आईसीआई ने ये लाइन लिखी है बराबर। तो मतलब लिखा नहीं है इन्होंने इस केस में, लेकिन लिखना जरूरी था, इसी का एक मार्क यहाँ पे था। अब देखो लिमिटेड पार्ट लिमिटेड लाइबिलिटी, अपने अंदर क्या लिखा है उसका सिर्फ ये थोड़ा सा पड़ेगा और ये डेबिट टिक मार देगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिख गया मिल गया। सेकेंड चीज सेपरेट एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन, अभी ये परपेचुअल सक्सेशन है ठीक है, आप यहाँ पे चेक करना आईसीआई के इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, क्या आईसीआई के इसमें परपेचुअल सक्सेशन वगैरह ऐसे कुछ पॉइंट्स है, बिल्कुल नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी कोई भी मार्किंग नहीं हुई, समझ रहे हो, आर्टिफिशियल पर्सन, ये आंसर पढ़ोगे ना यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन एक वर्ड यूज करा है, मतलब ऐसा एक्सेस आर्टिफिशियल पर्सन नहीं यूज करा है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन में वो बोलना चाहता है कि क्या बोलते हैं एलएलपी जो रहती है उससे हम क्या बोल सकते हैं, जो लायबिलिटी रहती है वो लिमिटेड हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पे मार्क्स मिल गया। तो आपका जो ये कहता है कि सर हमारा आंसर डिट्टो डिट्टो आईसीआई के जैसा होना चाहिए क्या, तो ये देखो एग्जांपल, क्या ये डिट्टो आईसीआई जैसा है, आईसीआई जैसा नहीं, लेकिन पूरे 5 मार्क मिल गए। क्या आईसीआई जैसा, आईसीआई का देखो कितना सा है, कितना सा है आईसीआई का, क्या लगता है, पूरे 5 मार्क यहाँ पे मिल गए। तो देखो इस तरीके से चलता है ना ये सब, समझ रहे हो, आईसीआई के जैसा डिट तो नहीं लिखा तो भी मार्क्स मिलते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थ्री पे आ गए हम लोग, यहाँ पे भी सेम नो रिशफलिंग। अब ये क्वेश्चन 3 में ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, और है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी केस स्टडी जैसा नहीं है, केस स्टडी जैसा नहीं है, लोग इससे डरते हैं, बोलते केस स्टडी आ जाएगा तो,
केस स्टडी आ गया तो भी क्या होगा, आप लिखते हो फैक्ट एनालिसिस प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन चलेगा, आपसे प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन लिखे तो भी चलेगा, एनालिसिस को 0 मार्क्स, फैक्ट्स को 0 मार्क्स, सब मार्क्स रहते हैं अपने प्रोविजन को और कंक्लूजन को, मैंने दिखाया प्रैक्टिकली, ठीक है आपको ये चीज। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे के इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर ऑफ द फर्म एज पर आईपी 1930 या फिर पर्सनल प्रॉफिट अगर अपन करते हो उसके लिए प्रोविजन क्या है। हमारे बंदे ने क्वेश्चन 3A में फर्स्ट वाला अटेम्प्ट किया, जो सेकंड वाला था वो और है वो अटेम्प्ट नहीं किया। तो एक चीज यहाँ पे और एक बता देता हूँ, अगर आपके पास टाइम बच भी जाता है तो भी ऑप्शन को अटेम्प्ट नहीं करना है, इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ जो फर्स्ट आप अटेम्प्ट करते हो, आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जो पहले 4 अपने अटेम्प्ट किए ना यही इवेल्युएट होंगे, जो फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा इसको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ 5 वगैरह जो रहता था बोर्ड में वैसा कुछ यहाँ पे होता नहीं। तो देखो क्या लिखा है, सबसे पहले अभी यहाँ पे इनको सेक्शन नंबर पता नहीं था। आप पूछोगे ना कि सर सेक्शन नंबर नहीं लिखेंगे तो मार्क जाएंगे, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर बिल्कुल नहीं लिखा है, फिर भी पूरे 2 मिल गए, 2 मार्क का क्वेश्चन है देखो, और पूरे 2 के 2 मिल गए। आंसर देखो, आईसीए का आंसर देखो इसका, कितना सा आंसर है आईसीए का, यहाँ पे सेक्शन नंबर लिखा है आईसीए ने, हमने नहीं लिखा सेक्शन नंबर क्योंकि हमको नहीं आता, फिर भी 2 के 2 मिल गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक आपके लिए हो गई, सेक्शन नंबर्स इररिलेवेंट, 100% इररिलेवेंट, समझ रहे हो। देखो कीवर्ड्स देखो दिख रहा है, नोटिस टू एंटायर फर्म, फ्रॉड ड्यू टू, देखो पार्टनर दिख रहा है, ये पार्टनर भी है कि क्या लिखा है ये, लेकिन ये पार्टनर है लेकिन क्या लिखा है, कुछ मैटर नहीं करता भाई, सिर्फ कंटेंट मैटर करता है, तुम्हारा कंटेंट कैसा है। क्वेश्चन 3 भी ये तो उन्होंने किया नहीं, सॉरी 3A का 1 किया है। बी बी क्या लिखा है आप देखोगे, बी क्या लिखता है, बी में लिखता है कि मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप आपको बताना है, 4 मार्क्स के लिए आ गया क्वेश्चन। तो देखो वापस सेम, अगर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होगी, वापस सेक्शन नंबर नहीं लिखा, अग्रीमेंट होना चाहिए 1 मार्क मिल गया, इसके अंदर का ज्ञान सिर्फ थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिखा है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा। सेकेंड चीज प्रॉफिट शेयरिंग, वापस पूरा 1 मार्क मिल गया, वापस थोड़ा थोड़ा ज्ञान अंदर लिखा है। नेक्स्ट देखो ये, देखो ये क्या है, ये चीज है प्राइमा फेसी एविडेंस, आईसीआई ने देखा है क्या ये, देखोगे आप यहाँ पे हम आपको बताते, देखो कितनी चीजें लिखी आईसीआई ने, अग्रीमेंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एजेंसी, हमने कितनी लिखी देखो, म्यूचुअल एजेंसी, क्या लिखा है वर्ड एजेंसी, क्या लिखा है हमने म्यूचुअल एजेंसी, कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ जो कंटेंट है जिस तरीके का, तो वो जो आप बोल रहे थे ना डिट्टो वाला, वापस वही पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिट्टो लैंग्वेज नहीं चाहिए। और जो मैं बोल रहा था देखो प्राइमा फेसी वाला, देखो यहाँ पे आईसीआई ने प्राइमा फेसी लिखा, तो जो एग्जामिनर कॉपी जाएगी आंसर शीट की उसमें ये बोल्ड किया रहेगा, ये बोल्ड किया रहेगा। देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा है, फिर भी मार्क्स मिल गए, अग्रीमेंट शेयरिंग एक मार्क्स मिल गया। आप देखो पूरे मार्क्स देखेंगे इनके कितने आए, आप देखोगे तो 3 मार्क्स इसको मिले, 4 मार्क का क्वेश्चन था 3 मिले, एक कहाँ पे चला गया बताओ, कोई अगर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा एक कहाँ पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे देखो आईसीआई ने यहाँ पे एक कॉन्टेक्चुअल ज्ञान दिया है, इस कॉन्टेक्चुअल ज्ञान का 1 मार्क था, हमारे आंसर में कॉन्टेक्चुअल ज्ञान मिसिंग है, सीधा हम आ गए आंसर, इसीलिए 1 मार्क यहाँ से कम हो गया, समझ रहे हो, यही तो एनालिसिस है और क्या है इसमें, और कुछ भी नहीं है। देखो 3C देखो, क्वेश्चन 3C क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 3C में वापस इतना सारा ज्ञान है, ये सब बाद में पढ़ला, पहले लास्ट लाइन, कैन मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के टू कंप्लीट द आर्टिस्टिक वर्क इन लियू ऑफ हिज फादर, मतलब ये लीगल हेयर की बात कर रहा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल हेयर, मिस्टर रिच आस्क मिस्टर ए के फॉर रिफंड ऑफ मनी पेड इन एडवांस टू हिज फादर, 6 मार्क है, बेसिकली केस लॉ है, तो केस लॉ के इसमें से करेंगे, पहले प्रोविजन लिख दिया, प्रोविजन में क्या बोलता है देखो, पार्टीज टू जो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे यही लोग एक दूसरे से मांग सकते हैं परफॉर्मेंस, वापस सेक्शन नंबर इज मिसिंग, सेक्शन नंबर यहाँ पे लिखा क्या, सेक्शन नंबर नहीं लिखा, फुल मार्क्स मिल गए देखो, फुल मार्क्स, अगेन पर्सनल स्टेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सिंगिंग पेंटिंग, मतलब हम नहीं कर सकते ना आर्टिस्टिक चीजें नहीं मांग सकते, क्योंकि वो हर एक से नहीं होता है, तो एक का हर एक का स्किल होता है वो, तो देखो यहाँ पे भी उन्होंने वही लिखा रहेगा, देखो पर्सनल स्किल सेक्शन लिखा है, आईसीआई ने सेक्शन लिखा है, हमने नहीं लिखा है सेक्शन, हमने नहीं लिखा है सेक्शन, किधर गया, उन्होंने लिखा रहेगा वो,
ठीक है, तो वर्ड यूज नहीं किया आईसीआई ने, ठीक है हमने करा है, लेकिन कोई फर्क उससे पड़ा? दो पूरे मिल गए। एनालिसिस, एनालिसिस को मैंने क्या बोला, मार्क्स मिलते हैं नहीं, तो एनालिसिस को कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, सीधा जो कंक्लूडिंग पॉइंट रहेगा। सो मिस्टर रिच कैन नॉट आस्क वाला, इसको 2 मार्क्स मिल गए, और ये सेकेंड वाला डॉक्टर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो इसको 2 मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स इसको यहाँ पे मिल गए। देखो क्वेश्चन के मार्क्स कितने थे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था देखा आपने, 6 मार्क्स। विदाउट सेक्शन नंबर भी पूरे 6 के 6 मिल गए, विदाउट डिटो कंटेंट भी 6 में से 6 मिल गए। क्यों? क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं करा है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग है उस बंदे को, जो अंडरस्टैंडिंग है आंसर की, वो अंडरस्टैंडिंग उसने बहुत सही से एक्सप्रेस करी है और एकदम अच्छे से एक्सप्रेस करी है, उसमें कुछ भी उसने ये नहीं करा। क्या बोलते हैं उसको, हम करते हैं ना वो पेजेस में कम कम वर्ड लाइनिंग छोड़ना वगैरह, एक तरीके से प्रेजेंटेशन बहुत सही किया। लास्ट आ जाता है इसमें क्वेश्चन 5। देखो क्वेश्चन 4 इन्होंने नहीं किया पहले, क्वेश्चन 4 इन्होंने पहले नहीं किया, या फिर शायद क्वेश्चन 4 किया ही नहीं है इन्होंने, सीधा क्वेश्चन 5 किया है। फिर क्वेश्चन 5A है, वापस अगेन यहाँ पे कैडेट एंटर वाला कॉन्सेप्ट पूछते हैं, मनी बैक मिलेगा क्या ये वाली चीज पूछते हैं, अगेन केस लॉ है, अगेन हमने यहाँ पे सेक्शन नंबर आता है लिख दिया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऐसा है जिसमें आपको सेक्शन नंबर बहुत आसानी से लर्न हो सकते हैं, अगर होता है तो कर दो। पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल गए यही पे, देखो कैसे मार्क करके लिखा, देखो लेट द बायर बी बीवेयर, ये अट्रैक्ट करता है आपका अटेंशन, ये समझते हैं एग्जामिनर को, इसको आता है करके, समझ रहे हो? कैवियट एंटर, समझ रहे हो क्या? तो देखो सेकंड चीज भी इसने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखी है, एंड 2 पूरे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल गए। तो ये इन्होंने प्रायोरिटाइजेशन बहुत सही से करा, आपको ये चीज आनी चाहिए। पेपर के पहले 15 मिनट्स में पता होना चाहिए आप कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 पहले करोगे, आप क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ करोगे, आप क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व नहीं करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट करोगे, ये आपको पहले 15 मिनट्स में पता होना चाहिए। 15 मिनट्स में बच्चा रीड करते बैठे ना पागलो जैसा पूरा वो बेकार ही काम कर रहा है, तो पहले 15 मिनट्स में आपको पता होना चाहिए आपका रोड मैप क्या होने वाला है। देखो क्वेश्चन 5B, अगेन सेक्शन नंबर पता था, मार्क कर दिया। सेक्शन 8 कंपनीज का सबको सेक्शन नंबर पता होता है, सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती है, कॉमर्स आर्ट्स सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा, सारे के सारे पॉइंट्स पता थे कि यहाँ पे नहीं, एक्सेट्रा लिख के भी काम चलेगा, पूरे के पूरे पूरे 2 मार्क्स 100% मार्क्स। देखो समझ रहे हो आप, और ये आ गया आपका कंक्लूजन, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो लेवी फाइन ऑन देयर, तो फाइन लर्न करी नहीं, पेनल्टी लर्न करी नहीं, सिर्फ लिख दिया लेवी भी कर सकते हो फाइन, 6 आउट ऑफ 6। क्वेश्चन 6A भी इन्होंने करा, सेम वही चीज है, सेक्शन नंबर लिखा और जो मेन पॉइंटर्स थे उनको इन्होंने मार्क करा है। तो जो बेसिक चीजें हैं आपको यहाँ से लेनी, अभी ये देखो ये चार्ट वगैरह, ये आपके ऊपर है करना है नहीं करना है, दिस डजंट मीन कि आप चार्ट नहीं करोगे तो मान, देखो इसके कुछ मार्क्स नहीं मिले इनको, इससे सिर्फ प्रेजेंटेशन इनका थोड़ा अच्छा हुआ है ना, इसके भी मार्क्स नहीं मिलते, किसके मार्क्स मिले सीधा कंक्लूजन के, तो इस हिसाब से इनका जो ये स्कोर आया है आप देखोगे कितना ह्यूज स्कोर आया है, 86 मार्क्स इन लॉ। ऑब्वियसली बीसीके का भी उसमें अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको डिट्टो कंटेंट नहीं आने की जरूरत है, नो नीड ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, आपको कैसा आना चाहिए, कीवर्ड्स एकदम सही से आने चाहिए, आपको हेडिंग्स बहुत अच्छे। सेकेंड चीज, कोई भी वर्ड गलत हो जाता है उसको स्ट्राइक करो, उसको एकदम सा उसको चिरखाड़ो मत, एक स्ट्राइक करके, ऐसा ये रॉन्ग वर्ड है ना आपका वैलिड वाला, इसको ऐसा स्ट्राइक करके आगे चलो। तीसरी चीज हमने क्या देखी, और केस लॉ के प्रेजेंटेशन में कंक्लूजन को सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं और इंपॉर्टेंट रहता है प्रोविजन। हमने और एक चीज देखी, सेक्शन नंबर नहीं पता है बिंदास मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज हमने क्या देखी, हैंड राइटिंग डज नॉट मैटर्स, लेजिबिलिटी मैटर्स, उसको थोड़ा तो भी पढ़ते आना। हमने बाकी और बहुत भी चीजें इस सब में सीखी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमने सीखा आपका कॉन्टेंट। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, अगर आपको बहुत सही से वो चीजें रिकॉल होती है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा है, अगर आप आंसर राइटिंग बहुत सही से कर रहे हो, बहुत हाई चांसेस है, 99% चांस है कि आपको पेपर में 80+ स्कोर आ जाएगा। इसके साथ आई होप इस वीडियो से बहुत वैल्यू एडिशन हुआ रहेगा, किसी को वो चाहिए रहेगा इस कॉपी, ये जो कॉपी है इसका अगर किसी को ये चाहिए रहेगा तो प्लीज डू आस्क मी, मैं आप मुझे मेरे दिए हुए मेल पे आप मेल कर दीजिए, मैं आपको ये कॉपी PDF में भेज दूंगा। और भी कोई डाउट्स रहेंगे, कोई भी इशू रहेगा, आप बिंदास मुझसे पूछ सकते। थैंक यू।